Trust is foundation of every relationship. पति से छिपकर पत्नी अगर किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है तो ये पत्नी के तरफ से पति के अगेंस्ट क्रुएलिटी माना जाएगा। अपने एक इम्पोर्टेंट फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहा कि किसी भी रिश्ते का जो नींव होता है वो विश्वास होता है। पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वो पूरी तरह से विश्वास पर टिका है, पूरी तरह से ट्रस्ट पर बेस्ड है। और अगर पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे के ऊपर विश्वास खो देता है तो फिर उस रिश्ते का अंत हो जाता है। क्या था पूरा मामला, आइए विस्तार में समझते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा कि हाइडिंग कॉन्वर्सेशन विद अदर फ्रॉम द स्पाउस इज कॉन्सिडर्ड एज प्रूवेरिटी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि पति से छिपकर किसी अन्य व्यक्ति से बात करना पत्नी के तरफ से शारीरिक व मानसिक क्रूरता है, तो इट इज बेसिकली फिजिकल एंड मेंटल क्रूएलिटी। जब हमने सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को देखा तो हमने बेसिकली डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स के बारे में बात किया, जिसमें टोटल 9 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स है, जिसमें एक ग्राउंड ये भी है विच इज क्रूएलिटी, क्रूरता। हालांकि इसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है पूरे एक्ट में, तो टाइम टू टाइम जो कोर्ट्स हैं वो इसके स्कोप को लेकर के इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं कि किस एक्ट को हम क्रुएलिटी मानेंगे, किस एक्ट को हम क्रुएलिटी नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा की गई अपील को खारिज करते हुए कहा है, यानी पत्नी को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा इन फेवर ऑफ हस्बैंड। तो फिर पत्नी ने उस आदेश के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है, पति या पत्नी अगर एक दूसरे पर विश्वास खो देते हैं तो एक छत के नीचे साथ नहीं रह सकते। पति ने यह दावा किया था कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर पूरी तरह से विश्वास खो दिया है। पति ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पत्नी ने अपने फादर इन लॉ पर कई बार मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसे फैमिली कोर्ट ने निराधार माना था। फिर पत्नी पहुंचती है हाई कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट ने यह इंटरप्रिटेशन दिया कि अगर पति पत्नी के बीच का जो विश्वास है वो ही खत्म हो जाता है फिर रिश्ते का भी खात्मा हो जाता है, और ये कहते हुए पत्नी के अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के ऊपर डिटेल लेक्चर कवर किया है बेयर एक्ट के थ्रू, तो अगर आप डाइवोर्स के ग्राउंड्स को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। थैंक यू।